वेलकम बैक टू माई चैनल। तो आज है ट्यूसडे और सुबह के बज रहे हैं ठीक 7:30। और आज जो पता क्या हुआ, आज ना मतलब मुझे दूसरी नींद लग गई। दूसरी नींद मतलब मेरा फ़ोन का अलार्म बजा एंड उसके बाद मैं उसको बंद करके दोबारा से सो गई। और वो तो मुझे मम्मी ने अभी अचानक से उठाया थोड़ी देर पहले कि जल्दी उठ, नवीन को लेट हो जाएगा ऑफिस जाने के लिए, आज उन्होंने ऑफिस जाना है इस वजह से। तो मैं जल्दी जल्दी उठी, मम्मी उठ चुकी थी, मम्मी काफ़ी पहले उठ गई थी। और वैसे भी मम्मी को आदत है सुबह जल्दी उठने की, क्योंकि हरिद्वार में भी मम्मी लोग जो है ना जल्दी उठ जाते हैं। तो तब मैं उठी हूँ फटाफट से। और आज थोड़ी सी टेंशन फ्री हूँ मैं, क्योंकि आज जो है ना मम्मी बनाने वाली है कुछ इनके ऑफिस के लिए सब्जी, और मुझे सिर्फ इनके लिए रोटियाँ बनानी है, क्योंकि सब्जी का जो है आज डिपार्टमेंट मम्मी का है। कल ही मैंने रात को मम्मी को बोल दिया था कि आज कल आपको जो है मॉर्निंग में ये बनाना है। तो बस अभी मम्मी है किचन में, तो मम्मी लगी हुई है अपने जवाई के लिए, अपने दामाद के लिए लंच बनाने के लिए। और टिफिन के लिए मम्मी उनके लिए बना रही है उड़द की दाल होती है ना, उसको भिगो के उसके पकौड़े बना के। आप लोगों ने मुझे नाम भी बताया था एक बार, मैंने रेसिपी बताई थी ना इसकी, तो आप लोगों ने अलग अलग चीज़ें जो हैं इसके नाम बताए थे। हम लोगों के यहाँ उसको सतवड़ी बोलते हैं, या आप उड़द की दाल का फाणू भी बोल सकते हो, लेकिन आप लोगों के यहाँ क्या बोलते हैं मुझे ज़रूर बताना, मुझे नाम याद नहीं आ रहा है। आप लोगों ने बताया भी था पहले। तो बस मम्मी वो बना रही है और मैं बना रही हूँ एक तरफ चाय, क्योंकि किचन में मैंने चाय रखी हुई है। तो चलिए आपको भी ले चलती हूँ किचन में, साथ साथ बनाते हैं टिफ़िन एंड उसके बाद आप लोगों से मिलती हूँ थोड़ी देर में। तो यहाँ पर बन रही है चाय और एक तरफ जो है मम्मी इनके लंच की जो है तैयारी कर रही है, जो भी इन्होंने टिफ़िन में ले जाना है। तो बस रात को ही जो है ना उड़द की दाल भिगा दी थी, तो रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर नहीं करूँगी, क्योंकि ऑलरेडी कर चुकी हूँ एक बार। और बस यहाँ पर इनको पकौड़े जैसे तल लेना है और उसके बाद इसी को बचा के जो है ना इसकी ग्रेवी बन जाती है। तो थोड़ा सा जो है टाइम लगता है इस सब प्रोसेस में, इसीलिए जो है जल्दी से शुरू कर दिया था मम्मी ने ये सब बनाना, और बहुत ही ज़्यादा अच्छा, बहुत ज़्यादा टेस्टी बना था। और जब तक मम्मी ये पकौड़े वगैरह फ्राई कर रही थी ना, तो उतनी देर मम्मी ने मुझे बोला कि वही सिलबट्टे में मसाले पीसो। तो बस मैं लहसुन और अदरक और हरी मिर्च जो है पीस लूँगी, क्योंकि जिसका जो तरीका होता है ना बनाने का, वो उसी तरीके से बनाता है। तो मम्मी भी इस तरीके से पीस के बनाती है, तो जो है ना मैं मम्मी की यहाँ पर हेल्प करा रही थी। तो बस यहाँ पर जो है मैं फटाफट से जो है मसाले पीस लूँगी। यहाँ पर जो है ना ये बन चुका है, बस इसको थोड़ा सा और पकाना है। और पकोड़े जो है हम लोग इसमें लास्ट में ऐड करेंगे, जब ये ऑलमोस्ट पक जाता है। और बच्चे तो ये सब नहीं खाते, तो इसीलिए उनके लिए सुबह नाश्ते के लिए मैं भिंडी बना रही हूँ। और मम्मी भी जो है भिंडी ही खाने वाली है नाश्ते में, क्योंकि टिफ़िन में ये सब अच्छा लगता है, लेकिन सुबह सुबह इस तरीके की चीज़ें थोड़ा सा नहीं अच्छी लगती है। तो बस भिंडी विंडी कट करने के बाद मैं आ चुकी हूँ किचन में रोटियाँ बनाने के लिए। तो अभी फटाफट से जो है मैं इनके लिए रोटियाँ बना दूँगी, और रोटियां बनाने के बाद जो है ना मैं भिंडी की जो सब्ज़ी है उसको भी फ्राई कर लूँगी। तो भिंडी की सब्ज़ी तो बहुत ज़्यादा जल्दी बन जाती है, इतना ज़्यादा टाइम नहीं लेती है बनने में, हार्डली 5 से 6 मिनट इसमें जो है लगता है। दोपहर के बज गए हैं ठीक 2 और हम लोगों ने बस अभी अभी लंच किया है। और आज जो है लंच में कुछ ज़्यादा स्पेशल नहीं बना था, सिर्फ चावल बनाए थे, क्योंकि मम्मी ने आज सुबह बनाया था सतबड़ी, वो बना था स्पेशल जवाई के डिमांड पे, क्योंकि जवाई के डिमांड पे भी बना था, मेरे डिमांड पे भी बना था, क्योंकि मुझे भी बहुत ज़्यादा पसंद है और मम्मी के हाथ का ही पसंद है, अपने हाथ का नहीं अच्छा लगता है। तो मम्मी ने वो बनाया था सुबह, तो हमने अभी उसके साथ जो है चावल खाए। और बच्चे चले गए हैं खेलने के लिए अपने फ्रेंड्स के घर खाना वाना खा के, मम्मी यहीं पर बैठी हुई है, मम्मी काम कर रही है। यहाँ पर भी देखिए मम्मी कर रही है कपड़ों को फोल्ड। और आज जो मम्मी अपने जवाई के लिए फटाफट से सुबह जो है ना उठ के बनाने लगी थी, मम्मी को बड़ी टेंशन थी, आज मुझे टेंशन नहीं थी, आज मम्मी को टेंशन थी कि जल्दी जल्दी से मुझे वो बनाना है उनके टिफिन के लिए। तो और जब मम्मी ने बना दिया, तो उसके बाद मम्मी को होता है ना जब हम किसी के लिए कुछ चीज़ बनाते हैं तो हमें अच्छा लगता है ना, एक बार वो हमारी तारीफ कर दे,
तो बस मम्मी के साथ भी यही हुआ, मम्मी पूछने के लिए शर्मा रही थी कि कैसे पूछूं कि कैसा बनाए है। मम्मी आप शर्मा रही थी ना, और उसके बाद पता क्या हुआ, मेरे को बोलती है तू पूछ, मैंने कहा मैं तो नहीं पूछूंगी, जिसने बनाया वो खुद पूछे। फिर मम्मी आराम से धीरे से बोलते कैसा बनाए, तो फिर जवाई मना नहीं कर सकते थे, जवाई ने बोला हाँ बहुत बढ़िया बनाया, बहुत बढ़िया। मम्मी खुश हो गई एकदम से, बहुत अच्छा बनाया हुआ है, पर वाकई बहुत अच्छा बना था। मम्मी बिल्कुल सिंपल बनाती है, ना प्याज ना टमाटर कुछ नहीं डालती। अपने घर में नॉर्मली सब्जी भी बनाते ना तो प्याज टमाटर बहुत कम डालती है, बहुत कम, क्योंकि पापा को भी पसंद नहीं है। लेकिन एक ही चीज़ करती है, वो ये कर देती है कि सिलबट्टे में मसाला पीस देती है, और उसका जो टेस्ट आ जाता है ना तो वो प्याज टमाटर को भी जो है ना फेल कर देता है। तो मम्मी तो चली जाएगी, लेकिन उसके बाद मुझे जो है ताने सुनने को मिलेंगे अपने पति से, है मम्मी? हाँ, वो रोज़ मुझे ताने मारेंगे कि मम्मी अच्छा खाना बनाती थी, तू नहीं बनाती, वैसे सिलबट्टे में पीस पीस के मसाले खाना बना। तो ये होता ही है अक्सर, और अब तो मम्मी यहाँ खिला भी दिया है एक दो चीज़ें, तो अब तो उन्होंने पक्का बोलना है। तो माँ के जाने के बाद मुझे मिलेंगे ताने। मम्मी फिर आओगी दोबारे से? हाँ क्यों नहीं आओगी, आऊंगी, आओगे। और बस अब हम दोनों माँ बेटी बैठे हैं आराम से, अब हम सोएंगे। चलो मम्मी जी, तो मैं आ गई। हाँ, मम्मी को इन्होंने बहुत बोला था, इन्होंने भी बोला था चलो मम्मी जी चलो चलो, तो मम्मी ने कहा चलो फिर चलो। मॉर्निंग अच्छी है दोनों की, जमाई की और सास की, हालांकि एक दूसरे से शर्माते हैं, मतलब ये भी ज़्यादा नहीं बोलते, मम्मी भी ज़्यादा नहीं बोलती है, कम बोलती है, बट यही है कि अच्छी बॉन्डिंग है ना मम्मी? सही है ना? सही है। हाँ, मेरी मम्मी ने कल भी शॉपिंग की है, मैं आपको बताना भूल गई। तीन दिन लगातार हो गए। कल मम्मी ने सबसे ज़्यादा शॉपिंग की है, और लेकिन बस यही है कि वो जो शॉपिंग है ना वो सरप्राइज शॉपिंग, वो मम्मी दिखाने वाली नहीं है किसी को। मम्मी ने बोला ये नहीं दिखाऊंगी मैं, तो वो मम्मी ने जो शॉपिंग की है ना वो मम्मी नहीं दिखाएगी, तो मैं भी जिद नहीं करती, चलो कोई बात नहीं मत दिखाओ। लेकिन मम्मी ने भर भर के शॉपिंग की है कल भी, तो मम्मी का अभी भी शॉपिंग पूरी नहीं हो रही। अभी आज भी मेरे को बोल रही थी कि अभी दोबारा चलेंगे ना वहाँ पर, तो फिर कुछ लेकर आएंगे। मैंने कहा अब नहीं जाऊंगी मैं, क्योंकि कल मम्मी के साथ साथ थोड़ा बहुत सामान मैंने भी अपने लिए खरीद लिया था, तो अगर मैं दोबारा गई ना तो फिर मैं भी अपना जो है ना खर्चा वर्चा करके आ जाऊंगी, जो मुझे अभी नहीं करना है। तो देखते हैं जाते कि नहीं, वैसे तो अभी नहीं जाएंगे। जाना है क्या मम्मी? बहुत पैसे खर्च हो गए सच में। मम्मी तो कुछ भी देखती है ना जहाँ पर, तुरंत शॉपिंग के लिए तैयार हो जाती है, तुरंत होता है ना लेडीज को कुछ भी। और लेडीज का तो इतने सारे ऑप्शन भी होते हैं ना, लड़कों के लिए ऑप्शन नहीं होते। तो चलिए अभी मम्मी कपड़े फोल्ड करिए, उसके बाद हम दोनों माँ बेटी सो जाएंगे, थोड़ी देर आराम करेंगे, और उसके बाद मैं आप लोगों से शाम को मिलती हूँ। तो इवनिंग का टाइम हो चुका है और मैं आ चुकी हूँ अगेन किचन में। तो मम्मी जो है अपने बाल वाल बना रही है, और यहाँ पर मैं बना रही हूँ अपने लिए और मम्मी के लिए चाय। तो आजकल मम्मी है कंपनी देने के लिए, तो बस हम दोनों जो है शाम को बैठ के आराम से चाय पी लेते हैं। और चाय वाय पीने के बाद बारी आती है बच्चों के बाल बनाने की, तो वही है आजकल नानी का डिपार्टमेंट है ये सारा। तो बस वेदांश ने तो जो है प्यार से बाल बना लिए, लेकिन वंशिका जो है ना थोड़े से नखरे दिखा रही थी, तो वो ये बोल रही थी कि नानी जो है ना बालों में दर्द करती है बनाते हुए, और बाल खुद उलझा के रखती है, वो नाम दूसरों का लगाती है। लेकिन मैंने बोला कोई बात नहीं, बनवाने नानी से ही पड़ेंगे चाहे कुछ भी हो। और बाल वगैरह बनाने के बाद अब टाइम आता है उनका पढ़ाई करने का, तो अभी 1 से 1.5 घंटा दोनों को बैठ के मैं पढ़ा रही हूँ। तो मैं और मम्मी दोबारे से आ गए हैं किचन में, और मम्मी जो है ना एक स्पाइसी सा जो है नमक पीसने वाली है हम लोगों के लिए। तो मम्मी बस अब थोड़े दिन में चली जाएगी घर, तो मम्मी कह रही थी मैं तुम्हारे लिए नमक पीस जाती हूँ, ऐसा नमक कि जो बहुत टाइम तक, नमक तो वैसे भी खराब नहीं होता, तो ये नमक जो पीसेगा ना दही में, छाछ में डालने के लिए, सैलेड में डालने में बहुत टेस्टी लगता है, इसका अलग ही टेस्ट आता है। और काफ़ी सारी चीज़ों को मिला के जो है ना ये नमक जो है पीसा जाता है। और मम्मी कितने दिन तक चलता है ये? एक दो महीने नमक बहुत इजीली चल सकता है, हम लोग इसको अच्छे से स्टोर करके रख सकते हैं। अच्छा, जब तक हम खत्म ना करें, हम तो जल्दी खत्म कर देंगे इस नमक को। क्या चाहिए आपको? काली मिर्च। काली मिर्च,
अरे इसमें है सारे पैकेट, रुको। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कि किस तरीके से ना ये नमक जो है मम्मी पीस रही है, इसको पकड़ो बच्ची का। तो नमक बनाने के लिए सबसे पहले हमने जीरे को भून लिया है, उसके बाद इसमें डालेंगे हम थोड़ी सी काली मिर्च और थोड़े से जो है ना खड़े मसाले साबुत, जैसे दालचीनी हो गई, और थोड़ा सा खड़े मसालों में ही जीरा भी मिक्स था तो मम्मी ने अगेन उसको ही जो है भून दिया है। तो सब चीज़ों को आप चाहें तो अलग अलग भी भून सकते हैं, चाहे तो इकट्ठे भी। और फिर हम भूनेंगे थोड़ी सी अजवाइन। तो यहाँ पर जो है हमने सारी चीज़ें तैयार कर ली हैं एक प्लेट में। तो यहाँ पर जो है अजवाइन, जीरा, थोड़ी सी काली मिर्च, थोड़ी सी लौंग, थोड़ी सी दालचीनी, इनको हमने जो है अलग अलग भून लिया है जैसे मैंने आपको दिखा दिया है। और इसमें हमने कुछ ली हैं लाल मिर्च और हरी मिर्च, कम से कम 10-12 होंगी, और इतनी ही हमने लहसुन की कलियाँ लेनी है, और एक छोटा पीस जो है अदरक का लेना है जिसको मैंने बारीक बारीक काट दिया है, और ये कुछ हैं मोरू के पत्ते। अब आप मोरवा जानते होंगे, नहीं जानते तो इसकी जगह आप धनिया भी ले सकते हैं, मेरे पास धनिया नहीं है, और इसको डालने से जो है टेस्ट अच्छा आ जाता है। और साथ में हमें चाहिए हींग और थोड़ा सा जो है काला नमक ऐड करने के लिए वाइट नमक में। और इसका वैसे अगर हम ट्रेडिशनल तरीका देखें तो इसको सिलबट्टे में पीसा जाता है इस नमक को, लेकिन मैं सिलबट्टे में नहीं पीसने वाली हूँ, मैं इसको जो है मिक्सी में पीसूँगी। तो चलिए पहले इसको पीस लेते हैं, उसके बाद दिखाती हूँ आपको कैसा बनेगा ये नमक। और अब जितने भी जो हमने मसाले इकट्ठे किए थे उनको एक मिक्स जार में डाल देंगे, और थोड़ी सी यहाँ पर हींग भी इसमें ऐड करेंगे, और फिर उसके बाद इसमें थोड़ा सा काला नमक ऐड करेंगे, और उसके बाद इसमें ऐड करेंगे वाइट वाला जो नमक होता है वो, और थोड़ी देर इसको चलाएंगे 1 मिनट तक, और उसके बाद नमक ये इस तरीके से कुछ दिखेगा। तो ये जो नमक है ना, ये देखिए ये पीस चुका है और बहुत अच्छी स्मेल आ रही है इसमें, जितना भी जो भुना हुआ हमने डाला है ना अजवाइन जीरा, उसकी बहुत अच्छी स्मेल आ रही है। और ये देखिए ये टेस्ट भी करेंगी मम्मी जी, अच्छा है, मिर्ची तो नहीं है ज़्यादा, ठीक है लग रही है ना, मिर्च आपने ज़्यादा कर दी है। नहीं ठीक है, जैसा तुम चाह रही थी। चलो थोड़ी बहुत मिर्ची भी है, तो अब मैं इसको एक ना इसमें हरा धनिया की कमी रह गई है, पुदीने की, हरा धनिया और पुदीने की कमी है, कोई बात नहीं, अब तो मैंने सीख लिया मम्मी से, इसको दोबारा से मैं पीसूंगी, मतलब अगली बार नेक्स्ट टाइम। तो अभी इसको मैं स्टोर करके रख दूंगी बॉक्स में, तो चलिए इसको स्टोर कर लेती हूँ पहले। तो नमक को रख दिया है एक प्लास्टिक के जार में ताकि ये बहुत दिनों तक चल सके, और नमक है तो काफ़ी दिनों तक चलेगा। और उसके बाद जो है मम्मी यहाँ पर सब्जियाँ जो है कट कर रही हैं, तो चौलाई है ये जिसकी सब्जी बननी है, तो ये ऑफिस से आ चुके थे, आते हुए हरी सब्जी लेकर आए, तो बस मम्मी अभी छांट रही है चौलाई, और मैं कर रही हूँ श्याम की दिया बत्ती। तो शाम के साथ ही मैं अपने व्लॉग का एंड करती हूँ। तो इतना ही था मेरा आज का व्लॉग, आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, एंड वीडियो पसंद आएगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियोस को लाइक करना ना भूलिएगा। मैं मिलती हूँ आपसे अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड गुड नाइट।